危ない。アップアップレコーマントロケーあれ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 अबे साला एक तो जेल से भाग के आया है, अगर चालान नहीं किया तो मैं अपना पूछ निकाल देगा। अरे भैया दादा, अरे भैया दादा तुम क्या देख रहे हो भाई, ये क्या नाटक है भाई। किशन बाबू कहा है कि बंबई का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, हम सोचा कि जरा पुलिस का हाथ बटाएं, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल करें। भैया दादा, भैया दादा पीछे पुलिस पड़ी है, उन लोग को कंट्रोल करो जरा, वो पीछे देखो देख। कहाँ क्या क्या देखा? इधर नहीं नहीं इधर उधर नहीं नहीं इधर उधर उधर नहीं सर इधर नहीं नहीं पक्का इधर गया। मेरे को गांडा बनाता है, नहीं, मैं नहीं, सब जानता हूँ। चलो इधर भी हो सकता है सर, नहीं उधर ही गया, उधर गया पक्का। ये क्या लटक रहे हैं सर? देखता नहीं क्या मेडल? वो तो मैं देख रहा हूँ। अरे एक इंस्पेक्टर तो सारे मेडल लगाता है क्या? कमिश्नर है तू, ऊपर को पहचान लेता तो? जब तक कोई असली पुलिस वाला नहीं मिलता हमको कोई पहचान नहीं सकता कि हम नकली पुलिस वाला है। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। भैया अबे दूध बेचने वाले को भैया, दिल लगाने वाले को सैया और जन्म देने वाले को मैया कहते हैं। आज बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पे तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में। खाली वाली पुलिस वालों की तरह नाटक मत कर, चल चल। खली बोली अजी सब आगे, चलो जल्दी करो। लगता है जेल का रिकॉर्ड चेक करने से पहले तुम्हारे दिमाग का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा जेलर दिलदार सिंह बेजोड़। तो रे जैसे दो चार जेलर अगर इस देश में और हो जाएं तो सारे देश का कबाड़ा हो जाएगा। सारे जो क्रिमिनल हैं वो महात्मा हो जाएंगे और जितने भी महात्मा हैं वो क्रिमिनल। गलत आदमी बाहर और बाहर के आदमी अंदर। साहब मेरा रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर है। बंद कर का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड लगा रखा, रिकॉर्ड पे सुई अटक गई है का? आजकल के जमाने में सारा रिकॉर्ड सुनता कौन है? गाना में लोग रिकॉर्ड पे नहीं सुनते, कैसेट पे सुनते हैं। और तेरा कैसेट प्लेयर खराब हो चुका है जेल का। साहब अरे हमको तो अपने आप पर शर्म आ रहा है कि तुम जैसा आदमी जो टेलर बनने के लायक नहीं है, हम उसको इतना बड़ा जेल का जेलर कैसा बना दिया। हम तुमको जहर पिलाकर खुद खुदकुशी कर लूंगा। कमांडर पकड़ो, जेल में डालो, अंदर डाल दो, सबको बंद कर दो, चलो धकेलो। सर ये पलंग तोड़ पान खास आपके लिए।
सर सर वो हमारे हेड कांस्टेबल हरी दादा हैं। 30 साल हो गए उनको पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक नहीं सुधरे। जी हाँ सर, ये ऐसा बेवकूफ पुलिस वाला है कि जब भी बस में सफर करता है टिकट लेकर करता है। माफी चाहता हूँ सर, 4 दिन की छुट्टी पर चला गया था, इसलिए पहले दिन आपके स्वागत के लिए आ नहीं सका। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। सर ये हमारी बिरादरी का है ही नहीं, भगवान ने इसे 3-3 बेटियां दी हैं, फिर भी रिश्वत नहीं लेता। और सर इसकी बेटियों की शादी कैसे होगी ये तो मेरी समझ में आता ही नहीं है। 85 साल की उम्र हो गई उनकी। 85 साल मतलब तीनों बेटियों की मिला सर अभी तक एक की भी शादी नहीं हुई। हरी दादा। यस सर। जानते हो भगवान ने पुलिस वाले को 2 हाथ क्यों दिए? क्यों सर? एक हाथ तनख्वाह लेने के लिए और दूसरा हाथ रिश्वत लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने ठीक सुना है सर, और मैं इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता। नहीं करना चाहते? हरी दादा, ये असूल, सिद्धांत, सच्चाई, ईमानदारी, ये जितने भी बड़े बड़े लफ्ज है ना, ये दुनिया के बेउसूल और बेईमान लोगों ने बनाए। सर मेरा मानना यह है कि जब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कोई गलती करते हैं तो उसका बुरा असर सिर्फ उस डिपार्टमेंट पर पड़ता है, लेकिन जब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई गलती करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अरे दादा ये बेवकूफी की बात है। अगर ईमानदारी से जीने का मतलब बेवकूफी है तो मैं अपनी नौकरी के बचे हुए दिन भी बेवकूफी में ही गुजारना पसंद करूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सलाम साहब। क्या नाम है तुम्हारा? पापा का पप्पू सिंह। ठीक है बाहर जाओ। जी। गेट आउट। तो खबर सच निकली, जेल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। क्या बात है, टीवी, वीसीआर, विस्की, इंपोर्टेड सिगरेट्स। तो तुम हो राजू भटनागर? जी। बच्चों को किडनैप करने वाले करप्ट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में 5-स्टार होटल का कमरा बनाकर रहने वाले? जी। मैं उन तमाम करप्ट ऑफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अपनी कीमत बोलो। क्या? अरे तुम मुझे खरीदना चाहते हो? दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है ऑफिसर, खरीदार होना चाहिए। वैसे भी राजू भटनागर को वर्दियां खरीदने का बहुत शौक है। तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो? ये स्पेशल चेकिंग है, समझे? मिस्टर राजू भटनागर, तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है। अब तुम्हें जिंदगी भर जमानत नहीं मिलेगी। सर इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजिए। डेफिनेटली, इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है। पहले जेल से निपट लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। पहले सामान उठाओ, सब लेके चलो यहां से। अरे अब क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जेल के अंदर 3 ऑफिसर आए और मुझे खबर तक ना हो। उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरूमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर हैं और किसी स्पेशल राउंड के लिए आए हैं। कोई राउंड वाउंड पर नहीं आया था। मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौजूद है। तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तुम्हें जेल में राउंड पर लेकर चलता हूं। देखते हैं, चलो मेरे साथ। ठीक से काम करो, ध्यान से देखो, इनमें से तो कोई नहीं है ना? हाँ। चलो। पीकर विस्की राजू की, पीके सिगरेट फॉरेन की। आ गई मुसीबत हम सब की। तो
तुम तीनों चिंदी चोर, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बंद करा दूंगा। ओ साहब, ये हूल झपट किसको दे रहे हो? चिंदी चोर किसको बोल रहे हो? हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है। अगर तुम्हारी नारकतों का पता ऊपर वाले साहब को चल गया ना, तो तुम्हारी वर्दी दो मिनट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी। हा? और स्त्री के लिए इसके पास जाएगी। और मैं स्त्री से जला डालूंगा। बकवास बंद करो। अरे भड़को मत साहब, पहले हमारी बात तो सुनो। क्या हम तीनों की थोड़ी कमजोरी है? जैसे मैं VCR पे जब तक फुल नाइट पिक्चर नहीं देख लूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है। और अपुन का क्या है साहब, जब तक अपुन के गले के गटर में दो चार घुट नहीं जाते ना, अपुन के दिमाग की घंटी नहीं बजती। और अपना तो पीढ़ी से भी काम चल जाता है। लेकिन जब इम्पोर्टेड सिगरेट देख लेता हूँ ना, तो दिल मचलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम सब जेल में तो है, तो वो माल हमारे कमरे में रहे या इनके कमरे में रहे तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़े हाथ की चालाकी दिखाया, थोड़ा खोपड़ी का कमाल दिखाया और माल को इधर से उधर चंपत कर दिया। तो कुछ गलत किया साहब? बिल्कुल ठीक किया। बोलो साहब। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना। एक मिनट जेलर साहब, आप जरा शांत हो जाइए, ये हमारे आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। क्या बात है भैया? वो अपना चंदू है ना, उसको उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है। बेचारे के पास काम ही नहीं है, घर में बैठा रो रहा है बेचारा। हाँ भैया, वो कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहता है, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। चलो चलो मेरे साथ। करें ओ यस सर। एक काम करो। जी साहब। एक कागज पर लिखो, इंस्पेक्टर साहब हमारी साइकिलें जो चोरी हुई थी वो हमें वापस मिल गई, उस कागज पर इन बच्चों के दस्तखत ले लो और ये सारी साइकिलें इन्हें दे दो। क्या सर, इन साइकिलों के मालिक ये बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब क्या बे, कहाँ जा रहे हो? निखा ले गए, सारी साइकिलें ले गए ना। अरे यहाँ हवलदार की नौकरी करने से तो अच्छा किसी मदारी के पास बंदर बनकर रहता। जीप भी गई। साहब साहब साहब, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। वो बच्चे साइकिलों के साथ साथ बाहर खड़ी हमारी पुलिस की जीप भी उड़ा के ले गए। अरे तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक काम करो, रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट? पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई फला रंग की फला नंबर की पुलिस की जीप फला तारीख को चोरी हो गई, हम एक्शन लेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहन। अरे खोटे, ए खोटे, अरे खोटे क्या हो गया, ये इस तरह वैन से लिपट कर क्यों रो रहा है? अरे यार खरे, तू तो जानता है ये वैन हमारी कितनी पुरानी साथी है, अगर कहीं जीप की तरह ये भी गायब हो गई तो सरकार हमको दूसरी वैन तो देगी नहीं, फिर हम दोनों को हर जगह पैदल ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है खोटे। अरे इतने सालों से साइकिलें यहाँ यतीमों की तरह पड़ी थी, मगर हम में से किसी को ये आइडिया तक नहीं आया कि कम से कम उनकी हवाई निकाल दें, मगर हमारे साहब ने उन साइकिलों का क्या रास्ता निकाला है, वाह। और एक बात गौर से सुन। क्या? आज के बाद ड्यूटी के समय जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस समय कम से कम हमारे हाथ पांव की उंगलियां हिलती रहनी चाहिए। क्यों? ताकि साहब समझे कि हम लोग जाग रहे हैं, वरना एक दिन हम लोगों की वर्दी तक उतार कर बस्ती वालों को दान कर देगा वो बस्ती का बादशाह।